तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी है अर्थ के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने सारे ग्रहों के बारे में बता दिया था, केवल पृथ्वी जो पांचवा ग्रह उसके बारे में बताना बाकी था। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी यानी कि अर्थ। अर्थ को आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। मैंने आकार के आधार पर आपको ग्रहों के बारे में बता दिया था, तो उसमें आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा पांचवा ग्रह आकार के आधार पर किसे माना जाता है, तो पृथ्वी को। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितना डिग्री 23.5 अंश झुका हुआ है। 23.5 अंश हमारी पृथ्वी की अवयु झुकी हुई होती है। यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। यानी कि हमारे पृथ्वी पर जो हम लोग रहते हैं यही तो हमारी धरती है, हमारी भूमि है, जो भी इसकी पर्यवेक्षी सभी चीज धरती है यानी कि पृथ्वी ही है। वैसे तो माना जाता है कि मंगल ग्रह पे भी जीवन है, लेकिन वहां पे जाके अभी कोई रहता नहीं है, इसलिए अभी तक जो होता है पृथ्वी को ही हम कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसका एक मात्र उपग्रह चंद्रमा होता है। आपको बताया था कि पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं, तो एक होता है और वो कौन होता है, चंद्रमा होता है। पृथ्वी का औसत व्यास होता है इतना 12,742 किलोमीटर है पृथ्वी का औसत व्यास। इसकी गणना सर्वप्रथम किसने की थी, अगर व्यास के बारे में बताया तो सबसे पहले किसने बताया था, ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने सबसे पहले बताया था तो आपको पता नहीं होगा, मैं जानता पता है कि सबसे पहले इसकी क्या गणना, सर्वप्रथम गणना किसने की थी, इरेटास्थनीज ने। किसने की थी, इरेटास्थनीज ने की थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, 149.6 यानी कि 6 मिलियन किलोमीटर होती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यहाँ पे 46 सेकंड लिखा गया, ठीक है, 48 मिनट 46 सेकंड। याद रखिएगा पृथ्वी को सूर्य की एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगता है, 365 दिन कितना, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान दिखाई देती है। यानी कि पृथ्वी की तुलना किसके समान की गई है, शुक्र के, यानी शुक्र ग्रह के अनुसार, शुक्र ग्रह की तरह ही हमारी पृथ्वी जो होती है कैसी दिखाई देती है, पृथ्वी शुक्र की तरह दिखाई देती है। और इसे नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल पाया जाता है, जल की उपस्थिति के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा होता है, प्रॉक्सिमा। आपको यह याद रखना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक ऐसा तारा है जो सूर्य के बाद सबसे पृथ्वी का निकट तारा माना जाता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक वीडियो जिसमें पृथ्वी के बारे में बताया गया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।